फंक्शंस इन सी। इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको एक ऑटोमेटिक कार के जितने भी फीचर्स रहते हैं ना, जैसे ऑडियो सिस्टम, उसका एसी सिस्टम, गियर सिस्टम, ऑटो डोर लॉक, ये सारे फीचर्स का जो भी प्रोग्राम है वो आपको लिखना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दो वेज है। फॉर एग्जाम्पल, आप सारा का सारा कोड एक ही मेन फंक्शन में आप लिख सकते हैं। जैसे कि एक मेन फंक्शन में आप ऑडियो सिस्टम में जो जो फीचर्स लगते हैं, जैसे सॉन्ग को प्ले करना, पॉज करना, नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना, प्रीवियस सॉन्ग प्ले करना, उसमें जो रेडियो सिस्टम है वो प्ले करना, तो ये कोड आपने मेन फंक्शन में लिख लिया। अब वैसे ही आपको एसी कंट्रोल का भी कोड जो है वो आपको इसी मेन फंक्शन में लिखना है। तो आप सारा का सारा कोड, जैसे ऑडियो का भी कोड आपने लिखा, एसी का भी कोड लिखा, अब गियर का जो भी कोड रहेगा वो गियर का भी कोड आपने एसी में लिख दिया, और जो ऑटो डोर लॉक का कोड है वो भी कोड आपने एसी में लिख लिया। एक वे ये है कि सारे फीचर्स का जो भी कोड है आप एक ही मेन फंक्शन में लिख रहे हैं। दूसरा अप्रोच है कि आप अलग अलग ब्लॉक्स बना दें, जैसे ऑडियो का ब्लॉक है उसमें ऑडियो का कोड, एसी का ब्लॉक है एसी का कोड, गियर का ब्लॉक है गियर का कोड, डोर का जो कोड है वो डोर के ब्लॉक में। अब दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा वे बेटर है डेवलपर के लिए, कि एक ही मेन फंक्शन में पूरा लिख दे कि सेपरेट सेपरेट ब्लॉक्स में लिखा जाए। तो बेटर वे मुझे यहाँ पे ब्लॉक्स का दिखता है जहाँ पे कोड सेपरेट है, मतलब मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि ऑडियो का कोड यहाँ पे, एसी का कोड यहाँ पे, गियर का कोड यहाँ पे, तो मुझे ज़्यादा सर्च करने में डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा है और कोड को रीड भी मैं इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन्हीं ब्लॉक्स को कहा जाता है फंक्शन, जो मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड को सेपरेट ब्लॉक्स में डिफाइन करके हम यूज़ कर सके, उसी को ही हम कहते हैं फंक्शंस। फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है सी प्रोग्राम में, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, फंक्शन डिक्लेरेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरे वीडियो को अगर पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। तो गाइस शुरू करते हैं कि फंक्शंस को एग्जैक्टली सी प्रोग्राम में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब हमने फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा समझ लिया है कि फंक्शंस होते कैसे हैं। ये हमें समझ गया है कि ब्लॉक्स के थ्रू ही फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब फंक्शंस जो है ना वो यूज़र डिफाइंड भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने एसी फंक्शन देखा, म्यूजिक सिस्टम, ये जो फंक्शंस थे ना ये हमने खुद से अपने नीड के हिसाब से डेवलप किए, ठीक है। ये होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। वैसे ही जो हम देखते हैं ना printf, scanf, ये सारे हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, ये ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस है। ये सी में जब सी इन्वेंट हुआ उसमें ये सारे फंक्शंस ऑलरेडी लिखे हुए, हम सिर्फ उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं फंक्शन किस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मेन फंक्शन मैंने लिया है, उसके अंदर है एक फंक्शन किक द बॉल, ठीक है। जब भी ये लाइन आएगा, अब हमें पता है कि सी प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद किक द बॉल, किक द बॉल एक फंक्शन है, फिर डायरेक्टली कंट्रोल नीचे जाएगा किक द बॉल पे। आप नंबर देख सकते हैं कि पहले वन किक द बॉल कॉल हुआ, फिर सेकंड किक द बॉल नाम का एक फंक्शन नीचे से कॉल हुआ, उसके अंदर हमने प्रिंट किया स्टेटमेंट यस आई किक दैट बॉल, उसके बाद कंट्रोल वापस वन के नीचे आएगा जो था प्रिंट एफ फिनिश माई फर्स्ट टास्क। तो इस तरीके से ये जो सी प्रोग्राम यहाँ लिखा है ना एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा जो किक द बॉल का जो कोड था वो उसी मेन फंक्शन में ना लिख के सेपरेटली एक ब्लॉक डिफाइन किया, उसके अंदर पूरा कोड लिखा, और जब मुझे नीड लगी तो मैंने ऊपर से कॉल कर दिया मेन फंक्शन से कि भाई किक द बॉल फंक्शन कॉल हो जा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक अपडेट द स्कोरबोर्ड भी यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया। अब मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, पहले किक द बॉल कॉल हुआ, ठीक है। अब उसके बाद किक द बॉल के बाद जो कंट्रोल है वो किक द बॉल फंक्शन में जाएगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट करेगा, जैसे प्रिंट एफ यस आई किक दैट बॉल, ठीक है। फिर कंट्रोल जाएगा सेकंड स्टेटमेंट पे जो है अपडेट द स्कोर बोर्ड फंक्शन, फिर वहाँ से कंट्रोल जाएगा उस फंक्शन के ब्लॉक पे, अपडेट द स्कोर बोर्ड के अंदर जो भी कोड है प्रिंट वाला प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि प्रिंट किया है स्कोर बोर्ड अपडेटेड। इसके बाद कंट्रोल मेन फंक्शन के थर्ड लाइन पे आएगा जहाँ पे प्रिंट करे फिनिश माई फर्स्ट टास्क। तो इस तरीके से ये सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आता है, तो इतना जो हमने प्रोग्राम लिखे उसके बाद में ये एरर आ रहा है कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इज इनवैलिड। इसका मतलब क्या है कि जब भी सी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं तो लाइन बाय लाइन होता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन होती है लाइब्रेरी की, जिसमें stdio.h लाइब्रेरी कॉल होती है, उसके बाद में मेन फंक्शन कॉल किए, उसके बाद में किक द बॉल फंक्शन कॉल किए, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने किक द बॉल फंक्शन तो लिख दिया, पर इस प्रोग्राम, इस सी प्रोग्राम को
ये नहीं पता कि किक द बॉल क्या है। इवन दो हमने किक द बॉल फंक्शन नीचे डिफाइन किया है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ना सी प्रोग्राम, जैसे लाइब्रेरी मेन फंक्शन फिर किक द बॉल। अब किक द बॉल फंक्शन ऊपर कहीं डिफाइन नहीं है। अब सी प्रोग्राम को ये नहीं पता कि किक द बॉल क्या है, क्योंकि अभी तक तो हमने कुछ लिखा नहीं, राइट। मेन फंक्शन के बाद ज़रूर हमने लिखा है कि किक द बॉल फंक्शन क्या है, उसके अंदर हमने प्रिंट किया है, पर जब जब सी प्रोग्राम उसे एग्जीक्यूट कर रहा है लाइन बाय लाइन, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, अब ये किक द बॉल पे वो क्वेश्चन मार्क डाल रहा है कि ये है क्या। तो यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है फंक्शन को, अगर आप यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख रहे हैं तो, क्योंकि सी प्रोग्राम को बताना पड़ता है कि इसका कुछ तो वैल्यू है, उसी को कहा जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो आप देखेंगे अब पहली लाइन stdio.h, सेकेंड लाइन में मैंने उस किक द बॉल फंक्शन को लिख दिया है, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर मैं जब उसे कॉल करता हूँ तो वो डायरेक्टली नीचे जंप करता है कंट्रोल किक द बॉल फंक्शन पे, और वहाँ का जो भी कोड है वो प्रिंट करके आपके पास आउटपुट देता है। तो इसका जो आउटपुट होगा, यस आई किक दैट बॉल, एक बार किक द बॉल का जो भी प्रिंट था वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में जो कंट्रोल है वो सेकेंड लाइन पे प्रिंट है फिनिश माई फर्स्ट टास्क, ठीक है। इस तरीके से इसका आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हुआ। अब समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सी प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम ए की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि वो वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब पहली लाइन जो लिखी है इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 प्रोग्राम के अंदर, तो ए इज इक्वल टू 5 जब भी होगा तो हमें पता है कि मेमोरी एक क्रिएट हो जाती है, राइट। अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया है पॉइंटर्स इन सी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, नहीं तो ये टॉपिक में आपको बहुत डिफ़िकल्ट जाने वाला है समझने में, ठीक है। तो उसकी लिंक मैंने कार्ड और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब मैंने वो लाइन लिखी ना ए इज इक्वल टू 5, तो मेमोरी में ऐसी डायग्राम हमारी बन जाती है, राइट। तो ए यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरिएबल और यहाँ पे 5 उसकी वैल्यू हो गई और जो 100 है ए का एड्रेस हो गया। इसके बाद कॉल हुआ प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए बिफोर कॉलिंग द फंक्शन। तो फंक्शन को कॉल करने से ए पहले ए की वैल्यू क्या है 5, तो हम वहाँ पे 5 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर कॉल होता है चेंज ऑफ ए फंक्शन। अब यहाँ पे एक चेंज फंक्शन मैंने कॉल किया तो कंट्रोल सीधा नीचे आ जाएगा चेंज फंक्शन पे और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट होने लगेंगे। अब यहाँ पे जो इंटीजर ए है उसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, ठीक है। एक पैरामीटर मैंने पास किया ऊपर से मैंने चेंज में 5 पास किया ए, तो नीचे वो कैच भी करना पड़ेगा, राइट। तो इसको ही बोला जाता है कॉलिंग और कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। तो ऊपर से कॉल किया, ये कॉल हुआ, इस तरीके से हम इसे अज्यूम कर सकते हैं। अब चेंज में मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया कि वैल्यू ऑफ ए बिफोर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए। अब ए की जो भी वैल्यू है 5 मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी। इसके बाद मैंने चेंज किया ए इज इक्वल टू 6। अब आप देखेंगे कि जब फंक्शन कॉल हुआ ना चेंज इंटीजर ए, तो वो इंटीजर ए वहाँ पे लिखा है तो मेमोरी में कुछ तो डिक्लेयर हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मेमोरी में मैंने एक वेरिएबल ए जिसका एड्रेस 200 है वो क्रिएट कर दिया, ठीक है। पहले हमारा ए ऑलरेडी क्रिएटेड है जो ऊपर वाले मेन फंक्शन में हमने लिखा था, ठीक है, उसका एड्रेस था 100। अब नीचे हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया फंक्शन के अंदर इंटीजर ए, जो उसका एड्रेस मैंने दिया 200। ये सेपरेट वेरिएबल हो गया, ये वही वेरिएबल नहीं होगा, ये लोकल वेरिएबल है। इस लोकल फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे उसका सेपरेट मेमोरी क्रिएट होता है। अब यहाँ पे मेमोरी में दो वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, ठीक है, एक पहले वाले ए के लिए और एक दूसरा ए है, ठीक है। अब जब हम स्टेटमेंट रन करेंगे कि a इज इक्वल टू 6, तो ये a इज इक्वल टू 6 हमें पता है कि जो सेकंड वेरिएबल है 200 जिसका एड्रेस था वहाँ पे ये प्रिंट होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि 200 एड्रेस में मैंने 6 स्टोर कर दिया। अब जो पहला a है उसकी वैल्यू है 5 और जो सेकंड a है उसकी वैल्यू है 6। इसके बाद में स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है a इज इक्वल टू 6 के बाद में जो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है वो है वैल्यू ऑफ a आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ a। अब ए की वैल्यू हमें पता है कि इस चेंज फंक्शन में 6 हो चुकी है, पर ये जो वेरिएबल ए है ये सेपरेट मेमोरी में है। हमारा ऊपर का जो ए है वो उसकी वैल्यू अभी भी 5 ही है, वो चेंज नहीं हुआ है, नीचे है वो लोकल है, उस फंक्शन के अंदर वैल्यू हमने स्टोर की तो वो उसके अंदर ही चेंज हुई, और जो भी चेंजेस है वो ऊपर वाले वेरिएबल में चेंज नहीं होंगे, वो ऊपर वाले फंक्शन के लिए लोकल है और ये नीचे वाले फंक्शन के लिए लोकल है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, चेंज फंक्शन जहाँ से मेन फंक्शन से हमने कॉल किया था उसके बाद में जो स्टेटमेंट कॉल होगा वैल्यू ऑफ ए आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ये होगी 5 जो ऊपर वाले फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट हुआ कॉल बाय वैल्यू में। तो इस तरीके से ये हमारा आउटपुट हुआ कॉल बाय वैल्यू के लिए।
ठीक है, ये हो गया एक अप्रोच फंक्शंस को कॉल करने के लिए। सेकेंड वे होता है कॉल बाय रेफरेंस। अब इसमें क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस था इस एग्जांपल से बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम सेम ही चीज़ कर रहे हैं, बस कुछ चेंजेस मैंने यहाँ पे किए। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने मेन फंक्शन में डिक्लेयर किया, ए इज़ इक्वल टू 5, यहाँ पे डिफाइन कर दी उसकी वैल्यू 5। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखा तो मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट हो गया ए, और उसका एड्रेस मैंने दे दिया 100 और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 5। इसके बाद हुआ प्रिंट एफ, वैल्यू ऑफ ए बिफोर कॉलिंग फंक्शन ए, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है अभी तक 5 ही है, अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद मैंने कॉल किया चेंज और ब्रैकेट में मैंने एड्रेस ऑफ ए, ये पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किया, तो इस आर्गुमेंट को नीचे कैच करेगा। अब चेंज फंक्शन नीचे कैच करेगा, तो एड्रेस पास किया है तो पॉइंटर से उसकी वैल्यू निकलेगी, इसीलिए पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। पॉइंटर से मैंने उसकी वैल्यू कैच की। ठीक है, अब जैसे ही ये इंटीजर स्टार ए यहाँ पे मिला तो मेमोरी में एक और वेरिएबल क्रिएट, वैल्यू क्या है एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए ऊपर जो है वो क्या है 100, तो वो यहाँ पर पास किया हमने 100। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ है, ए 100 एड्रेस पे 5 स्टोर है और 200 एड्रेस पे 100 स्टोर है, जो कि है एड्रेस ऑफ ए जो ऊपर से हमने पास किया। अब नीचे जब मैंने चेंज किया, अब यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ़ ए बिफोर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए प्रिंट किया, नीचे जो फंक्शन है उसके अंदर उसमें वैल्यू क्या आएगी स्टार ऑफ ए, तो स्टार ऑफ ए क्या होगा, तो ज़िगज़ैग फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ए से स्टार्ट होगा कौन से नीचे वाले 200 से, 200 से 100 पे गया, 100 से ए पे, ए से, तो एक ज़िगज़ैग यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसकी वैल्यू है 5, तो यहाँ पे पहला आउटपुट हुआ हमारा 5। उसके बाद स्टार ऑफ ए इज़ इक्वल टू 6। अब स्टार ऑफ ए मतलब क्या, स्टार लगाए तो एक ज़िगज़ैग लगेगा, तो ए से स्टार्ट करेंगे 200 वाले क्योंकि नीचे वाला है ना, तो 200 से स्टार्ट किया 100 पे गया, 100 से इस वैल्यू पे आया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 है तो इसको हम चेंज कर देंगे 6। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी ऊपर की भी वैल्यू 6 और नीचे की भी वैल्यू 6 क्योंकि वो एड्रेस के थ्रू गया। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि पिछले वाले एग्जाम्पल में हम डायरेक्ट वैल्यू चेंज कर रहे थे लोकल वेरिएबल्स की, जिसमें ए की 5 थी, नीचे वाले ए की वैल्यू 6 थी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज हुई थी, पर कॉल बाय रेफरेंस में क्या हो रहा है हम एड्रेस के थ्रू जा रहे हैं ना, तो हम कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 6, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए नीचे वाले ब्लॉक में वो हो गया 6। अब कंट्रोल गया ऊपर वाले मेन फंक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल होगा वैल्यू ऑफ ए आफ्टर कॉलिंग फंक्शन ए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी 6, ए की वैल्यू 6 क्योंकि एड्रेस के थ्रू चेंज किया, इसीलिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू चेंज हो गई, तो हमारा आउटपुट होता है ए की वैल्यू 6, ऊपर भी नीचे भी ए की वैल्यू 6। तो डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। इसको मैं प्रैक्टिकली एक बार विजुअल स्टूडियो में भी रन करके बताता हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आउटपुट दिखता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक stdio.h लाइब्रेरी ऐड की है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमारे पास है मेन फंक्शन यहाँ पर। ठीक है, एक मेन फंक्शन हमने लिखा, उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट हुआ ए इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ पर क्या होगा मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट होगा ए नाम का, जिसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 5। ठीक है, इसको एड्रेस दे देते हैं 100। फिर यहाँ पे अब जो ए की वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी फ़िलहाल 5 क्योंकि अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हमने किया। उसके बाद कॉल होता है फंक्शन चेंज ऑफ ए। अब जब ये चेंज ऑफ ए कॉल होगा तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, सीधा इस फंक्शन पे। ठीक है, फिर यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट होता है इंटीजर ए नाम का, तो ए नाम का एक वेरिएबल और क्रिएट होगा यहाँ पर, जिसको हम एड्रेस दे देंगे 200। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है ए की वैल्यू जो है ये यहाँ पे 5 आ गई हमारे पास, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल आ रहा है ए इज़ इक्वल टू 6, तो अब ए इज़ इक्वल टू 6 जो है वो कहाँ पर चेंज होगा, ऊपर वाला ए कि नीचे वाला ए, तो क्योंकि हम सेकंड वाले में हैं इस ब्लॉक के लिए जो एड्रेस हमने असाइन किया वो ये है, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद होता है ये वाला फंक्शन कॉल प्रिंट एफ, तो यहाँ पे अब जो ए की वैल्यू हो चुकी है वो हो चुकी है 6। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा जो है वैल्यू ऑफ ए आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। अब ये जो वेरिएबल ए है इसका मेमोरी में वैल्यू कितना है 5, अभी तक ये चेंज हुआ है क्या, नहीं, तो यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 5
और इस फंक्शन के अंदर चेंज हो गया ए का वैल्यू, बट वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्यों? जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे लोकल कॉपी बनी है इस ए वेरिएबल की और इस ए वेरिएबल की, और यहाँ पे जो भी चेंज होंगे वो इसी वैल्यू और इसी वेरिएबल के लिए रहेंगे, बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक वे ये है रन करने का, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको सेव कर देता हूँ मैं। और जैसे कि हमें पता है कि हमें डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है ऊपर, नहीं तो वो एरर शो करेगा। टर्मिनल में जाते हैं, डॉट ए डॉट आउट। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5565 वेरिएबल वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आउटपुट फर्स्ट प्रोग्राम का, जो है कॉल बाय वैल्यू। अब देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस कैसा दिखता है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ एड्रेस पास कर दूँगा ए का, और यहाँ पर कैच करने के लिए हम स्टार ऐड कर देंगे। ठीक है, स्टार मैंने हर जगह ऐड कर दिया ए की वैल्यू कैच करने के लिए, और यहाँ पर भी हमें स्टार ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टार वेरिएबल लेगा। ए की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई। ठीक है, अब जैसे ही ये मैंने लिखा तो मेमोरी में एक क्रिएट हो गया ब्लॉक जिसका एड्रेस मैं दे देता हूँ 100। ठीक है, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 5। इसके बाद होता है कि वैल्यू ऑफ ए बिफोर कॉलिंग फंक्शन, तो अभी फ़िलहाल ए की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे मैंने एड्रेस पास किया, वैल्यू पास नहीं की, मैंने एड्रेस पास किया, तो इस इंटीजर स्टार ए पे एक वेरिएबल क्रिएट हो गया 200, मैं उसको दे देता हूँ। वैसे अब यह एड्रेस कुछ भी हो सकते हैं, 104, 108, बट अभी हम इसको सेपरेट रखते हैं 100, 200, ताकि इजीली हमें समझ सके। ठीक है, ए के अंदर हमने क्या पास किया, एड्रेस, तो यहाँ पे हो गया एड्रेस किस। अब ये आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ये 100 है तो यहाँ पे भी ए का जो वैल्यू है मैंने 100 स्टोर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ जो प्रिंट होगा वैल्यू वो है स्टार ऑफ ए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पॉइंटर्स को कैसे रन कर दिया, तो स्टार ए मतलब एक बार जिगजैग। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 100 से, 100 पे क्या वैल्यू है, 5, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद स्टार ऑफ ए की वैल्यू चेंज हो चुकी है, यहाँ पे हो चुकी है 6। ये कैसे करेंगे, स्टार ए मतलब जिगजैग होगा और जहाँ पे भी ये 5 है ये अब हो जाएगा 6। तो यहाँ पे ए की वैल्यू अब ऊपर वाले के लिए भी चेंज हो चुकी है, नीचे वाले के लिए भी चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 6। अब यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो वैल्यू हो जाएंगी 6। ठीक है, अब कंट्रोल यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू ऊपर वाले ब्लॉक में अब क्या दिख रही है हमें, 6, तो ये भी हो जाएगी 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5, फिर 5, 6 और 6, और पिछले कॉल बाय वैल्यू में यहाँ पे 5 ही था, इसीलिए यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ था, बाकी सब सेम है इसमें। इसको रन करके देखते हैं अभी। देखिए 5566। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को कैसे रन करा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको फंक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट अगर बाकी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। पहली बार अगर वीडियो को कंज्यूम कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक तो बनता ही है इस वीडियो पे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।